और भाई स्टेक भी आ चुका है। बताने का मकसद ये था कि हम ये भी खा रहे हैं। की जाने प्यार भाई, टाइम हो रहा है 10:16, वो भी सुबह के। भाई जब अभी हुई है भाई की गुड मॉर्निंग, क्योंकि थोड़े से काम वगैरह है, शूट पे भी जाना है। अगर बात कर रहे हो वेदर की, तो वेदर काफी बेटर है। मतलब धूप होती है, लेकिन वो वाली धूप नहीं होती कि आपको चुभे आके। और वैसे की बात, मुझे इस वक्त इतनी नींद आ रही है ना, लेकिन मैं इस नींद को भगाने के लिए चेंज चेंज करता हूँ, हाथ मुंह वगैरह धोता हूँ। तो जब तक के लिए हे फैम, व्हाट्सअप, कैसे आप सब? सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अगर ठीक नहीं हो तो 2 मिनट रुको, मैं आके करता हूँ। तो जी, आपके भाई ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और मैं सोच रहा हूँ क्या बगैर देर किए निकलते हैं। कैब यहाँ क्यों पड़ी हुई है? जिस चीज की ना मुझे उम्मीद थी, यही हुआ, गाड़ी की चाबी अंदर रह गई। होता है कभी कभी ऐसा कि आप जो चीज याद रखते हो ना भाई, कि मुझे ये चीज नहीं छोड़नी, और वही होता है। 5 minutes later देखो मैंने चाबी रखी भी कहाँ पे। जैसा कि आपको पता है, गाड़ी को थोड़ी देर गर्म करेंगे। भाई इतनी प्यारी बिल्ली बैठी हुई है। अबे मतलब यार, ये दिन भी कितने सुकून के ना, कि आप सुबह सुबह गाड़ी में आके बैठ रहे हो और गर्मी नहीं हो रही गाड़ी में। भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई सुबह सुबह कुछ खाया नहीं था, तो हमने रास्ते से जूस पकड़ लिया है और अब मैं जा रहा हूँ अफसर को पिक करने, क्योंकि हम दोनों साथ जाएंगे। एक मतलब अच्छी लोकेशन है जहाँ पे हमारा निकाह का शूट हुआ था ना, वहाँ जाना है हमने। लोग वीडियो भी बना लेंगे लगे हाथों, ब्रेकफास्ट डेट भी कर लेंगे और मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, मतलब मजा आएगा। लेकिन नल खुल गया भाई जान, चलो चलो जी, मैं तुम लोग को वहाँ पे पहुँच के मिलता हूँ। करूँ मैं इशारा, शरारा शरारा, अचानक से कैसे चलेगा? अभी हमें जाना है, सबसे पहले एक कैंपेन शूट है, मैडम की वीडियो है, वो हमने बनानी है। क्या हुआ इसी? क्या हुआ आज के? मैं पूरे व्लॉग में यूं करूंगी ऐसे? नहीं 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 नहीं, कहा यार गंदी बात। तौबा 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 तौबा। कुछ खाना है या वीडियो बनानी है? नहीं 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 नहीं, पहले तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा ना, वीडियो बना लेते हैं ना पहले। चलो मैं तुम्हें फिर चाय पराठा दिला देता हूँ। मैं भूखी हूँ, मुझे ग्लोरिया जींस ही खाना है। ए, तुम सोच के आई हो घर से क्या? मेरी मम्मी मुझे तैयार करके कि ये आज ये खाना है सिखा के भेजती है। लेकिन पहले हम इनकी वीडियो की शूट करेंगे, क्योंकि क्योंकि मेकअप खराब हो जाएगा और मजा भी नहीं आएगा, एक एनर्जी खत्म हो जाएगी। मुझे खाने के बाद एनर्जी आती है। आप लोग को बोल रहा हूँ ना, मेरा व्लॉग है तो मेरी मर्जी, शीशा सही कर ले। चलो भाई। तो भाई हम लोग सिंधी मुस्लिम पे एक कैफे बनाए, वहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन अब ये मैडम बोल रही है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तैयार हो के नहीं आए ना? कितना तैयार हूँ, शर्ट पहन ली, पैंट पहन ली, शूज पहन ली, आप कितना तैयार हूँ? कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। अच्छे नहीं है तो आपकी गाड़ी में पड़े हुए थे, तो मैंने बोला ये शर्ट पहन ले। आप लोग देख सकते हो भाई की गाड़ी में पीछे कमरा बना हुआ है, इतने सारे आउटफिट वगैरह पड़े हैं, मतलब मैं यहीं से तैयार होके कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ। क्योंकि आप अपनी गाड़ी साफ नहीं करते ना, इसलिए ये सब पड़ा हुआ है। ये मैंने भी सोचा हुआ कि आज पहली फुर्सत में इसको छोड़ने के बाद मैं अपनी गाड़ी साफ कराऊंगा। ये मुझे ऐसी जगह ले आई जहाँ पे मुझे बहुत मजे से पिक्चर्स वगैरह खींच रही है, अपनी स्टोरीज बना रही है, स्नैप्स बना रही है। तो खैर, वी आर वेटिंग फॉर फूड, खाना है बस, यहाँ से तो निकला है। असल बात में इसलिए नहीं आता यहाँ पे। सही है बेटा, सही है, अपनी मर्जी। ये जो मैंने मंगवाया था वो तो आ गया है, आपका नहीं आया अभी, तो आप वेट करो, मैं आपको शेयर नहीं कराने वाला वाकई में। चलो एक ले लो, चलो जाओ, ये लो थोड़ा सा, ये भी ले लो, ये लो, हैप्पी खुश। और भाई स्टेक भी आ चुका है, बताने का मकसद ये था कि हम ये भी खा रहे हैं बस। अब ये फटाफट से जल्दी से खाते हैं और फिर निकलते हैं। खाना वाना खा लिया है भाई, अब मैंने इसको तो गाड़ी में बिठा दिया, मैं गया था एटीएम काम से। लेकिन यार ऐसी जगहों पे ना बिल्कुल मजा ही नहीं आता, यकीन करो। हाँ भाई, क्या कर रही हो? एसी चला के बैठी भी हो, बड़ा पेट्रोल आ रहा है भाई, वाह। खाना खाना था ना पहले, अब पता चलेगा इसको वीडियो बनाते हुए। भाई फाइनली हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। हाँ जी, आर यू रेडी? आ जाओ बेटा, पता चलेगा तुम्हें कितनी धूप हो रही है ना। तो जब मैं बोल रहा था कि पहले शूट कर लेते हैं फिर बाद में खा लेना, लेकिन नहीं, मेरी तो नहीं सुननी। चलो अभी शूट करना है, तेरा फोन, इसकी एक रील बनानी है, चलो जल्दी जल्दी मैं कर दूंगा, आ जाओ चले बस। तो हम लोग एंटर हो चुके हैं, इसको मैंने बोला था बहुत गर्मी है भाई, लेकिन ये मेरी गर्मी नहीं है, धूप है, गर्मी नहीं है। और मजे की बात, मैं अच्छा खासा शर्ट पहना हुआ था, जो टी शर्ट पहनाई ना, मुझे डर है कि मेरे हाथ काले हो जाएंगे। तुम चलो सीधा, बहुत बदतमीजी कर रही हो, नहीं गिर जाओगी खुदा के वास्ते, तुम्हारा पैर पहली फ्रैक्चर हो चुका है, इधर रुक जाओ। कैसे समझ रही कि शाहरुख खान की कोई फिल्म चल रही? ओहो, तो भाई यहीं करीब में करना है हमें शूट, लेकिन यार यहाँ इस जगह की वाइब अच्छी है ना। और मैं बोलता हूँ कराची में मेरी फेवरेट जगहों में से ये एक फेवरेट जगह है, इतनी प्यारी प्यारी जगह है आगे, लेकिन इसको ये जगह पसंद आ गई है भाई, पता नहीं आगे और अच्छी वीडियो बन जाएगी। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ओए कांटा चुभ गया, आगे चल लो। बस मेरा अभी ना इतना दूर दूर घूमने का दिल नहीं करता, सिर्फ इसलिए मैं इसको बोला था कि खाना मत खाओ, जल्दी से वाला काम करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है।
भाई फाइनली आपके भाई ने कोई इतनी प्यारी वीडियो बनाई है ना, आप ये इसके इंस्टाग्राम पे देख लेना। और ये देखो भाई, ये शूट करते हुए चश्मा रखने की जगह नहीं मिली तो यही हो गया काम आपका। हैप्पी बहुत ज्यादा, और सनलाइट देखे में कूल, स्किन देखें ग्लोइंग। मेरी स्किन ग्लो करेगी? हटो जरा जरा, मैं देखता हूँ। ओहो सारे काम हो गए, अब तो कोई वीडियो नहीं बनानी। सही है, एक गेम खेलते छोटा सा, अंताक्षरी। तो जी पहली बारी आपकी, आओ गाना। किससे? ए से। अभी न जाओ छोड़ कर। भाई ये क्या हो रहा है, कौन से गाने सुना रही हो? तेरी प्यारी आवाज के मेरे, अरे अरे अबे नाराज हो गई। अबे नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं तुम्हें कोई गाना सुनाता हूँ। अरे गाने से याद आया, किसी की तो बर्थडे आ रही है, बर्थडे सरप्राइज दूं क्या? अरे भाई इसका तो दिल नहीं है, लेकिन रुको यहाँ देखते हैं, कोई फूल टूटा हुआ पड़ा हुआ होगा अच्छा सा प्यारा सा, देखते हैं। मैं तोड़ना नहीं चाह रहा, अभी मैं इसको गाना सुनाऊंगा और इसको डेडिकेट करूंगा। रुको बस बस, थोड़ा पीछे थोड़ा सा, उधर हो गाइस, मैंने फूल छुपाया भाई। हाँ 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 रुको, बस यही खड़ी रहो। सही है, यहाँ पे ऐसे 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 खड़े हो ना, ऐसे इधर इधर मेरी तरफ देख के खड़े हो ना। सही है, ऐसे फ्रेम से आ रहा होगा यार, फ्रेम का मुझे पता नहीं, मैं पत्थर पर टिका गया हूँ क्योंकि हमारे पास कोई थर्ड पर्सन नहीं है। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यू जान मेरी, जान मेरी। ये इसके लिए छोटा सा सरप्राइज था क्योंकि इसकी बर्थडे आने वाली है भाई। कैसा लगा भाई, कैसा लगा? शर्मा गई, शर्मा गई क्या? देख मम्मी आ गई क्या? सामान उठा लिया सारा अपने। वाह भाई मजा आ गया, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझ में आस्ते आस्ते। जी जी आना चाहिए, पहले मैं थोड़ा सा शर्माता था लेकिन मैंने बोला नहीं यार, अब तो ये मेरी बीवी है। आ जाओ बीवी, मेरी बेगम आ जाओ, हम दोनों चले, हम दोनों वॉक कर रहे हैं, हमारे फोटो स्टेप्स भी मैच कर रहे हैं। वी बोथ आर लुकिंग क्यूट टुगेदर। कौन सा? जरा होले होले चलो मोहे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। क्या बोलियो? आहा कर रहा हूँ। किसके ऊपर? आपके ऊपर? हाँ, फूल के। एक सेकंड। तो गाइस यार मुझे फूल नहीं दिख रहे यार यहाँ पे कहीं। ओए होए होए होए। हाँ भाई, आहा आहा, इतना पाला फूल कहाँ से आया, किसने लाके दिया? खुश। हमने कल भी एक और जगह जाना है, हम बहुत एक्साइटेड हैं। मतलब ये कि हम आपको कल भी देखने वाले हैं साथ। कड़कती धूप, इतना लंबा रास्ता। I'm normal, तुम होगी, मैं नहीं हूँ। हेलो जी, चले भाई अफसर को मैंने गाड़ी में बिठा दिया, मैं पानी की बोतल या जूस कोई ले लेता हूँ। असल में यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है भाई, देख सकते हो सूरज बिल्कुल मुंह पे ही है। यस, एक बोतल पानी की दे दें और एक कोल्ड ड्रिंक। चलो भाई ले आया पानी, पानी आ गया। चलो भाई बंद करते हैं, अब मुझे फिलहाल सबसे पहले इसको छोड़ना और गाड़ी का कुछ काम कराना है भाई, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि कल हमें कहीं दूर जाना है और मैं नहीं चाहता कि गाड़ी मुझे बीच रोड पे धोखा दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस आ गए हैं। ओके चलो, तुम ख्याल रखो, फिर इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। ख्याल रखना बहुत सारा, आपकी बर्थडे में चंद दिन रह गए, कोई एक या दो दिन या तीन दिन रह गए होंगे, पता नहीं मुझे, मैं काम नहीं कर रही। चलो चलो अल्लाह। जैसा मैंने तुम लोग को बताया था कि हमने बकरियों वाला बाड़ा जो था अपना वो चेंज करना था, तो उसकी जगह पे भी काम चल रहा था, मैं आया हूँ देखना। ये पूरा प्लॉट था भाई, इतने बड़े बड़े दरख्त थे यहाँ पे, हमने सारे कटवा दिए, एक जगह पे आग भी लग चुकी है और एक जगह पे काम हो रहा है। मैं ये देखने आया था कि भाई काम कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि एक दो दिन में हमने यहाँ पे शिफ्टिंग करनी ही करनी है। बड़ा मसला है यहाँ पे, कांटे ही कांटे हैं, ये देखो मेरे पैर में भी चुभ रहा है। बकरी अगर बिल्ली बन जाए इस पेड़ पे से चढ़ 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 वहाँ जाए, वहाँ खा ले और फिर आ जाए। मैंने बहुत ही कुछ फजूल बात की, चलो गाड़ी का काम कराना है भाई। सबसे पहले तो टायर वाले की शॉप पे आ गए, टायर डलवाना है भाई, इससे पूछ लेते हैं कि नहीं है। हाँ भाई शुक्र है इसके पास मिल जाए, लेकिन अभी पहले चलते हैं घर क्योंकि गाड़ी से ना ढेर सारा सामान उतारना है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करो भाई कितनी गंदी हो रही है और कितना सारा सामान पड़ा हुआ है, कपड़े पड़े हुए, टीवी रिपेयर होके आया था वो पड़ा हुआ है और वो भी पड़े हुए जूते, तो ये सारा सामान जल्दी फटाफट से साफ करते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे। घर पे आया, कपड़े वपड़े चेंज किए, आपका भाई एकदम रिफ्रेश हो गया, मैं तो बोला अब कराओ काम, अब रिफ्रेश हो गया भाई मैं। चलो इससे पहले मगरिब हो फटाफट से डेंटर पेंटर के पास चलते हैं। गाड़ी के काम जो मैं सोच रहा था वो ये था कि रिबन पॉलिश करा लूं, रिबन पॉलिश करा लेते हैं, गाड़ी की सफाई करा लेते हैं, मतलब पूरी सर्विस, और टायर चेंज करा लेते हैं।
तुम लोग देख सकते हो गाड़ी पे कितने स्क्रैचेस हैं, मतलब ये देखो, ये एक हमारे दोस्त है, उन्होंने मारी थी ये खड़ी गाड़ी में, इन्होंने जाके घुसेड़ दी थी। ये व्हाइट कलर पूरा उसका उतरा हुआ, यहाँ पे इतनी प्यारी होती थी बेचारा। ये कलर हो गया ये लेफ्ट वाले दरवाजे पे, और ये जो पिछला बम्पर है ये भी उतर रहा है, मतलब ये दोनों साइडों से ही उतर रहा है। गाड़ी तो हमने वही पे छोड़ दी, वापस भाड़े की तरफ आ गए। हमने सोचा की भाई देखे क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। चलो भाई चले। भाई साहब ये तो सारी आग लग गई यार, तो डरे के बकरियां कहीं आग में जल ना जाए। भाई साहब आप लोग देख सकते हो हमारा न्यू फार्म तैयार हो गया है भाई, वाह। ये वाली जो जगह है ना ये तो बहुत ही खूबसूरत है भाई, अब आएगा बकरों को भी मजा। भाईजान कुरान खानी करवा लें क्या? मैं भी ये सोच रहा है ना भाई, दरवाजा भी लगा हुआ है यहाँ पे प्रॉपर। यार बकरे कितने खुश होंगे यहाँ पे, मजा आ जाएगा। और तो और हमारे पास खाना खिलाने के लिए नई कुंडली आ गई है भाई, स्पॉन्सर किए इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब आप लोग जैसा कि देख सकते हो मगरिब भी हो चुकी है, और बस यहाँ पे तकरीबन लाइटों वगैरह का काम रह गया, वो इनशाला कल परसों में निपट जाएगा। तो हम दो तीन दिन में यहाँ पे अपना सारा सामान शिफ्ट कर देंगे। अभी गाड़ी वाले ने बोला है कि 3 घंटे लगेंगे भाई रिबन पॉलिश के लिए, मैंने सोचा हम लोग 3 घंटा यहाँ पे वेट कर लेते हैं, तो आप लोग भी वेट करो। गाड़ी तो मैं लेके आ गया घर, लेकिन भाई गाड़ी वाले ने ना इतना टाइम लगा दिया, मतलब जहाँ मुझे 8:30 बजे गाड़ी मिलनी थी वो मुझे 11:05 मिनट पे मिली है। फायदा नहीं है ना, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगा कि भाई गाड़ी पे कैसा काम हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन लाजमी दबा देना ताकि आप लोग को मेरे व्लॉग मिले सबसे आगे और सबसे पहले। जब तक के लिए भाई को इजाजत दो, अल्लाह हाफिज़।